हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से अपनी सिस्टर से रिलेटेड एक ऑडियो क्लिप शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी अपनी सिस्टर से रिलेटेड, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियो क्लिप शेयर की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा बैड कमेंट आए थे। मैंने सब रिमूव तो कर दिए, बट उसके बाद मुझे लगा यार नई वीडियो नहीं पोस्ट करनी चाहिए। बट फिर मैंने सोचा यार अगर मैं इस तरह निगेटिव कमेंट को लेकर होपलेस हो जाऊंगी तो फिर मैं अपनी दीदी को न्याय कैसे दिलाऊंगी, क्योंकि दुनिया में अच्छे बुरे दोनों टाइप के लोग होते हैं। बट यहाँ पे कुछ औरतें इतनी ज़्यादा घटिया ना कि मुझे लगता है कि पता नहीं वो उन लोग की कैटेगरी में आगे आपको ज़रूर डिफाइन करूँगी कि उनको मैंने किस कैटेगरी में रख दिया फ़िलहाल टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो कमेंट आया था उन्होंने कहा था, मैंने जो पिछली वीडियो क्लिप शेयर की थी ना उसमें मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मेरा और मेरे पति के बीच कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, तो वो क्यों बोल रही थी ये जाने बिना। एक औरत ने साफ लिख दिया, भाई ये तो पूरी की पूरी औरत ही गलत है, क्योंकि ये अपने पति के साथ ज़बरदस्ती कर रही है। अगर यही पति करता तो रेप का केस बन जाता, बट ये औरत कर रही है तो यहाँ कुछ नहीं एक्शन लिया जा रहा है, ये तो पूरी की पूरी औरत ही गलत है यहाँ पर। तो मैं नहीं मानती कि आपकी दी के साथ कुछ गलत हुआ, जो भी गलत हुआ उस आदमी के साथ गलत हुआ, ठीक है। ऐसा उन्होंने कमेंट कर दिया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी और ऐसे लोग को सॉरी उन उसका नाम नहीं लूँगी, उनको इज्जत देना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसे औरतों का नाम नहीं लूँगी। और उनका कमेंट मैंने रिमूव कर दिया, स्क्रीनशॉट रखी हुई है, जिन लोगों को डाउट हो तो मैं कम्युनिटी में लगा दूंगी कि भाई देखो सच में ऐसे ऐसे लोग घटिया घटिया मानसिकता वाले भी यहाँ पे भटरे पड़े हैं। तो उसके बाद से मैंने मतलब वीडियो पोस्ट करना बंद कर दी थी। बट अगर मैं वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी तो फिर आप लोग को सच कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, आगे की अपडेट नहीं दूंगी, आप कैसे जानोगे कि हाँ समाज में न्याय मिल भी रहा है या नहीं। तो मेरा भाई और मैं और मेरी मम्मी हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। दीदी का जो ये केस चल रहा है इसको लेके कभी छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, फिर बलिया, अप डाउन हो रहा है इस बीच। और जो वकील हैं वो तो इतने ज़्यादा घुसखोर हैं कि 2 मिनट में बिक जाते हैं सब। जैसे ही पैसा उन लोग को मिला उसके बाद वो लोग हम लोग का कॉल नहीं, हम लोग के वकील हैं पर हम लोग का कॉल नहीं उठाएंगे। और अब तक उन लोगों ने लगभग 1 लाख रुपए हम लोग के खर्च हो गए हैं, और 2 लोग की बेल भी उन लोग ने करा दी है। एंड उसके अलावा देखिए यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि अग्रिम जमानत नहीं होती है। अगर ये जो आपका केस लगा हुआ है 306, इसमें भी अग्रिम जमानत का नियम नहीं है, जब तक गिरफ्तारी ना हो अग्रिम जमानत नहीं होती है, ऐसा हम लोग को वकील ने बताया था। बट यहाँ पर उसकी लड़की जो दीदी की ननद है उसकी अग्रिम जमानत लग गई है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और उसकी अग्रिम जमानत भी लग गई है। तो अब उसकी भी जमानत ही लोग करा देंगे, जाहिर सी बात है पैसा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कितनी ज़्यादा गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, पर क्या करूँ। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, मुझे देख कर लोग कहते हैं कि दी आप बैड कमेंट को निगलेक्ट कीजिए, जो बुरे लोग हों उनको कचरे की पेटी में डालिए और जो अच्छे लोग हों उन्हें दिल में रखिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं पर कितना करें यार, मतलब इतने बैड कमेंट जब आ जाते हैं ना तो उसके बाद से बस जी करता है कि कैसे इन लोग को बताएं हम कि हाँ ये सच था, तुम सच जाने बिना कैसे बोल सकती हो। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी दीदी उस पर ज़बरदस्ती कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोग को, यहाँ पर मैं छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं समझी उस टाइम, क्योंकि मुझे नहीं लगा किसी की सोच इतनी घटिया हो सकती है। सो इसीलिए मैंने वो बात नहीं बताई कि मेरी दीदी ने ऐसा क्यों बोला। तो मैं आपको बता देती हूँ और आप पूरे मतलब जितना भी मेरी दीदी की कॉलोनी है उसके आसपास जाके आप भी जाके पूछ सकते हो, ये बात क्लियर हो जाएगी कि मेरी दीदी ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसको यही बोल के बोला जा रहा था कि ये औरत कभी माँ ही नहीं बन सकती है। वो लोग पता नहीं कैसे मेडिकल रिपोर्ट तैयार करा रहे थे, जिस दिन हम लोग गए थे दीदी की डेथ हुई थी, जब हम लोग FIR कराने के लिए वहाँ पे लड़ रहे थे तो हम लोग ने बोला कि इन लोगों ने मर्डर किया है मेरी दीदी का, तो बोले कि नहीं उसने सुसाइड किया। तो पुलिस वाला जब उससे पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हारी बहू ने सुसाइड क्यों किया, तो कागज़ निकाल रहा है उसका ससुर की, देखिए वो माँ नहीं बन सकती थी ना, इसी गम में उसने सुसाइड कर लिया। मतलब सोचिए, तो एक लड़की जो उस और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी दीदी जब इस बीच आई थी ना तो उसका मम्मी को भी वेट था कि भाई इतना इतना दिन हो गया कुछ न्यूज़ नहीं आई, तो मेरी मम्मी ने भी उसका मेडिकल करा रखा था यहाँ पर। उसने घर में नहीं बताया कि हाँ उसके हस्बैंड ने उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाया, इस वजह से उसको मतलब कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई। तो मेरी मम्मी ने उसका मेडिकल कराया था, तो वो रिपोर्ट भी हम लोग के साथ, जहाँ पर डॉक्टर ने साफ लिखा है कि
कि मेरी दीदी नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है और उसको बच्चा भी हो सकता है। वो मेडिकल रिपोर्ट भी हम लोग के पास है और उन लोग के पास जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है जिस डॉक्टर ने बनाई है, भगवान करे कि उसकी भी लड़की के साथ ऐसा ही हो जाए जिसने भी ये फर्जी रिपोर्ट बनाई होगी। तो छोड़िए, मेरी दीदी कहती थी किसी के बारे में कभी बुरा मत बोला करो, बट मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरी दीदी कहती थी कि कीचड़ में ईंटा फेंकोगी छींटे अपने ऊपर पड़ेंगे, बट कभी कभी कीचड़ को साफ़ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। और आपने सुना होगा गांधी जी ने कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, बट आज के ज़माने में ऐसा है ना कि आपको कोई एक गाल पे मारेगा आप दूसरा आगे करोगे दूसरे पे भी धर देगा। आपने देखा होगा मुन्ना भाई मूवी में, मैंने भी देखी है वो मूवी, तो होता है। तो इसलिए मैं क्या कहती हूँ, कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे ना तो आप भी बिल्कुल उस मूवी की तरह उसके दोनों गाल पे तई दनादन दे दनादन तब तक मारो जब तक कि भाई वो कह ना दे कि हाँ मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ जिन्होंने कमेंट किया है ना, अगर आप एक इनकी कैटेगरी पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ आप लोगों को कि मेरी कुछ फ्रेंड है, मैं भी कॉलेज में पढ़ी लिखी हूँ काफ़ी, मेरी भी हाई फाई लेवल की फ्रेंड रही हैं, तो वो जितनी है हाई फाई मेरी फ्रेंड रही हैं उन सब के मतलब हमेशा उन सब के हर ईयर तो पहले बॉयफ्रेंड चेंज हो जाते थे और न जाने कितने के साथ वो रिलेशनशिप में रही हैं और आज अच्छे खासे एक अरेंज मैरिज करके एक अमीर लड़के के साथ थाट से ज़िंदगी बिता रही हैं। और शादी के बाद उन लड़कों को पता भी चल गया कि भाई इन लोग का शादी से पहले अफेयर था और रिलेशनशिप भी रहा है, बट उन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो मेरी फ्रेंड वीडियो देख रही हैं तो उन लोगों को पता होगा मैं किन की बात कर रही हूँ, तो मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। तो इन औरतों की जो ये औरत ने कमेंट किया ना कि ये लड़की ज़बरदस्ती कर रही थी अपने पति के साथ, तो इनकी कैटेगरी भी उन्हीं लड़कियों में से है जो शादी से पहले हर दिन अलग 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 हर साल बॉयफ्रेंड रखती हैं और हर किसी के साथ अलग 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 रिलेशनशिप रखती हैं और शादी के बाद भाई सती सावित्री हैं। हम तो एकदम घर में आराम से बैठे रहते हैं, हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। मतलब जितनी भी आपको फिलॉसफी देने वाली जो औरतें होती हैं ना, वो ऐसा सा काम करके कह रहती है जिसके आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। मैंने खुद मैं बता रही हूँ ना मेरी कितनी सारी फ्रेंड है, क्योंकि हम लोग उतने हाई फाई सोसाइटी से नहीं हैं, बट फ्रेंड तो भाई कॉलेज में हाई फाई मिलेंगे ही, तो हम लोग लोकल से रहे हैं, नॉर्मल रहे हैं, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले हैं। जो दो चार दोस्तें मिलती थी तो मैं उन लोगों के साथ भी उतना, इसीलिए मेरा मैं उन लोगों से ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी, बट हाँ इतनी बातें होती थी कि पता चल जाता था। आप कॉलेज में हो साथ हो तो पता तो चल ही जाता है। तो ये वही औरतें हैं जो ऐसे ऐसे कांड करके और शादी करके और सती सावित्री बनती हैं और बोलती हैं, यही आ जाती हैं आप लोगों को फिलॉसफी देने। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी औरत हो जो इस सब प्रॉब्लम से जूझ रही हो और आप काफ़ी अच्छी आप बैकग्राउंड में इस तरह के कांड करके नहीं गई हो, तो जाहिर सी बात है आपको दिल पे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान के लिए जीते हो और वो जब एक इंसान आपको धोखा देता है तो उस टाइम क्या हो बीतती होगी ये सिर्फ आपको समझ में आता होगा। उन औरतों की मैं बात नहीं कर रही हूँ जो शादी से पहले 50 बॉयफ्रेंड रखती हैं और शादी के बाद सती सावित्री होती हैं, उन लोग की तो बात ही अलग है, वो लोग की कैटेगरी आती है ये जो कमेंट बॉक्स में आके बोलती हैं कि ये लड़की ऐसे की वैसे की, ऐसा क्यों नहीं की वैसा क्यों नहीं की, तो इन लोग की मैं कैटेगरी डिफाइन कर दी। यहाँ पर इन लोग को बुरा लगेगा चाहे जितने भी डिसलाइक आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत सुन लिया मैंने, बहुत सुन लिया। तो छोड़िए वो सब बातें हम छोड़ते हैं और आज की वीडियो के जो ऑडियो क्लिप है मैं उसकी भी थोड़ी सी सच्चाई बता देती हूँ। उसके बाद भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो प्लीज़ निगेटिव कमेंट करने से पहले आप हैशटैग करके ज़रूर पूछिएगा कि आपको मतलब क्यों ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, ताकि मैं आपको उस पर एटलीस्ट रिप्लाई तो दूँ कि हाँ ऐसा हुआ था इसलिए उसने ऐसा बोला। अब यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो आप खुद देखिएगा पी कर आया हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं चलता, भाई ने बताया कि नहीं ये पिया हुआ है इसलिए ऐसे बोल रहा है, और जैसे सुनता है कि लोको पायलट है, मतलब हर किसी को बस जैसे सुनते हैं लोको पायलट है भाई, सबके पहला 50% लोको पायलट सुनते ही 50% तो वो लड़के के साइड हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे करके सुनते हैं और उसके बाद लड़के के साइड होके और चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक पुलिस वाले ही नहीं, उन लोगों को लड़कों वालों को ये राय दी है कि आप इस लड़की को छोड़ना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये लड़की खुद छोड़कर चली जाए जो कि दीदी कर नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो वीडियो ऑडियो सॉरी मैं शेयर करने वाली हूँ, इसमें उसके हस्बैंड ने इल्ज़ाम लगा रहा है खुद ही
ये मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहती, ये शुरू से ही मुझे छोड़कर चली जाती थी। अब आप सोचो, कोई लड़की शादी करती है और वो शुरू से ही लड़ी इसी बात के लिए रही है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, रहना है, रहना है। उसकी लड़ाई ही यही है कि मुझे नहीं छोड़ना है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, और उसका हस्बैंड कह रहा है कि ये नहीं रहना चाहती। और मेरी दी, सबसे बड़ी बात, वो पुलिस ये कह रही है मेरी जान पे खतरा है, मुझे ले चलिए, मेरी जान पे खतरा है। कोई लड़की कह रही मुझे मेरी जान का खतरा है सर। अब वो पुलिस वाला इस पे हंस रहा है, किससे है खतरा? उसको सुनने का पुलिस वाला कह रहा, किससे है खतरा? मैं हूं ना, मैं गारंटी लेता हूँ। अरे तूने गारंटी ली, आ ना सामने। सारे घुसखोर कहीं के पुलिस वाले, भगवान करे तेरी भी बेटी हो रहा था, तेरी भी बेटी के साथ ऐसा ही हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। जो लोग ऐसा करते हैं ना, भगवान करके उनकी बेटियों के साथ हो, या जिनको भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ ऐसा ज़रूर हो, ताकि उसको एहसास हो कि उसने सामने वाले को किस तरह से तकलीफ़ दी, कितनी तकलीफ़ दी। मैं ये वीडियो लेकर बैठ गई। काफ़ी दिन से मैं ऐसे ऐसे कमेंट देख रही थी, सुन रही थी, और फिर मैंने सोचा चलो भाई आप लोग को थोड़ा रिप्लाई दे ही देती हूँ, खास करके हेटरो लोग के लिए। और हाँ, एक हेटरो के लिए बैड न्यूज़ भी है कि मेरी मम्मी जब गई थी ना, हम लोग इस बार भी लाए गए, तो पता चला कि उन लोगों ने अपने लड़के की शादी, मेरी दीदी के ऊपर 2 मंजिले में कैद रखते थे, और नीचे उसकी शादी के लिए लड़की देखने वाले आए थे, और लड़की वालों से उन लोगों ने 10 लाख रुपया और एक 4 व्हीलर पे तय भी कर ली थी शादी। बट अब वो पोस्टपोन हो गई, अब वो शादी तो कैंसिल हो गई। तो ये तो बैड न्यूज़ हो गई ना मेरी दीदी के, जो हेटर्स हैं, जो यहाँ पर निगेटिव कमेंट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तो भाई आप लोग आज बहुत उदास हो जाओ, क्योंकि उसकी शादी कैंसिल हो गई, बेचारे के यहाँ से 10 लाख चले गए और एक 4 व्हीलर भी चली गई। तब आप एक लड़की को ऊपर कैद करके रखे, और सबसे बड़ी बात, वो लड़की का बाप जो तय कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हाँ ऐसा हो रहा है। एटलीस्ट आप अगल बगल पूछ तो सकते हो कि हाँ उसकी वाइफ है कि नहीं। लड़का बोला कि नहीं, वो अपने मायके चली गई, छोड़ दिया गया, उनका डिवोर्स हो गया, तो सामने वाला मान लिया। कम से कम अगल बगल तो पूछो यार, कोई भी बता देता कि ऊपर कैद करके रखे हैं सब, और उसकी बहू है यहाँ पे, पर नहीं छोड़ो। तो उस लड़की की तो किस्मत अच्छी रही जो बच गई। पैसे के लिए आजकल कोई किसी से भी शादी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जेल से छूट किया जाएगा, उसकी शादी नहीं होगी। मुझे पता है हो जाएगी, क्योंकि आजकल मतलब जो भी सुनता है लोको पायलट, मैं तो ये सुनती हूँ यार, जो भी सुनता है लोको पायलट, लोको पायलट, उसका रवैया ही चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों भाई, लोको पायलट में ऐसा क्या है जो नॉर्मल लड़कों में नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको ऐसे घर में शादी नहीं करनी चाहिए जो दहेज नहीं मांगते, तो आजकल का कोई भी ऐसा लड़का पार्टी नहीं आता है जो दहेज ना मांगे। और अगर आप दहेज वाले से इनकार करोगे, आप कुंवारे घर में बैठे रहोगे, तो कुंवारे बैठना मुझे तो मंजूर है, क्योंकि ऐसे लड़कों से शादी करने से अच्छा है कि हम कुंवारे ही रहें। एंड हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि आपको कॉमन सेंस नहीं है, ऐसे घर में शादी कैसे कर दी आप लोग को, बिल्कुल भी आप लोग एकदम नॉनसेंस हो, कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है आप लोग के अंदर। तो भाई हम लोग, मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है, वो अनपढ़ है, और मैं और मेरा भाई था। और उस टाइम जब दीदी की शादी हुई ना, आप लोग देखना हम लोग कितने छोटे छोटे हैं, मतलब 5 7 8 में पढ़ने वाले बच्चों को कितनी सेंस की उम्मीद होगी। ऐसा कमेंट करने से पहले कम से कम ये तो सोचते कि 7 8 में पढ़ने वाले बच्चों को कितनी सेंस होती है। खैर छोड़ो, जाने दो, आप लोग का काम, मतलब कुछ लोग का काम ही होता है जो फ्री रहते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देने में उन लोगों को बहुत मज़ा आता है, या फिर दूसरों के आंसू देखकर इन लोगों को खुशी मिलती होगी। तो यहाँ पर जो ऑडियो क्लिप है ना, इसमें उसकी सास कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, बताइए उसकी जान को खतरा है, और वो आज के भी डेट में ज़िंदा है, और मेरी दीदी मर चुकी है, जो बोल रही थी यहाँ पर बोला दोनों तरफ से जा रहा था। लड़के वाले सब बोलते थे जो जो बातें मेरी दीदी बोलती है वो सब उल्ट पलट के लगा दिए जाते। उसकी सास बोली कि मेरे लड़के के लिए ताला बंद करके रखती है, दीदी को बंद करके रखा जा रहा है, वो कह रही है कि मेरे लड़के के लिए ताला बंद करती है, रूम में आने नहीं देती है, इसलिए मेरा लड़का जाता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग भी सोच रहे होंगे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मेरी दीदी ने एक उस वीडियो क्लिप में जो मैंने शेयर की थी, उसमें जो गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, उसमें वो दीदी ने बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे, इनका स्टेटमेंट तो आप सुनेंगे, तो ऐसे 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 गालियाँ कुछ बक रही थी, मेरी दीदी बोल रही थी कि ये लोग ऐसे ऐसे दिए हैं।
तो उस गालियों की भी मुझे एक ऑडियो क्लिप मिल गई। मैं अभी ढूंढ मैंने भाई को बोला है कि भैया ये मेरे लिए छाट के अलग कर देना, ताकि आप लोग भी सुनना कि वो जो मेरी दीदी बोलती थी ना वो सब सच रहता था। हम लोग को भी नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके फ़ोन में इतनी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है ना, कि सुनते सुनते मतलब बहुत टाइम लग सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग को ऑडियो मिलती है जो हम लोग को लगता है कि हाँ ये आप लोग को सुनाना चाहिए, जिससे आप लोग को यकीन हो सकता है कि वाकई में मेरी दीदी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, और जिन लोग को झूठ लगता है वो लोग मत देखे यार वीडियो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो लोग मत करे सपोर्ट, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस मैं उन लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ जिन्हें लगता है कि हाँ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, हाँ सच में मेरी दीदी के साथ गलत हुआ है, तो बस वो लोग सपोर्ट करें, ना कि ऐसे लोग आप आकर कमेंट करके मुझे बताओ कि हम लोगों ने क्या गलत किया। हम लोग से भी गलतियाँ हुई है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी दीदी को नहीं ला पाए, ये गलती थी हम लोग की, हम लोग की थी ये गलती कि हम लोग दीदी को नहीं ला पाए। पर क्या कोई जानबूझकर ये गलती करता? अगर आपको पता होता कि आपकी बेटी की जान जाने वाली है तो क्या आप ये गलती करते? लोग कमेंट में कह देते हैं यार हम लोग की गलती है, अगर आपको पता रहेगा, जिसको पता होगा ना वो कभी अपनी लड़की को नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे माँ बाप शादी के बाद अपने बच्चों को मतलब बेटी को पराया समझते हैं, लेकिन हमारे घर में अभी भी ऐसा नहीं था। मैं जितनी भी साड़ी बनाती हूँ सब मेरी दीदी के परचेज की हुई है, और आज ये जो ट्राईपॉड मेरे सामने रखा हुआ है, लास्ट टाइम दीदी ने यही ऑर्डर किया था मेरे लिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना माइक था ना ट्राईपॉड था, सब कुछ दीदी ने खरीदा। तो यहाँ जो ये माइक है और ये जो ट्राईपॉड जिस पे ये फ़ोन रखा हुआ है, लास्ट टाइम मेरा ट्राईपॉड टूट गया था, जो मैंने 200 का एक इसके पहले ट्राईपॉड लिया था वो ट्राईपॉड टूट गया। तो उसके बाद दीदी ने ये 1400 का लास्ट टाइम पे यही ट्राईपॉड ऑर्डर किया था, जो याद दिलाता है कि मेरी दी मुझे कितना सपोर्ट करती थी। और सर आज मैं इसके साथ एयरटेल तो बहुत पुराना है सर, आज मैं इसके यहाँ से दरखास्त दे दी हूँ, ये मेरे हस्बैंड है सर, ये सासू माँ है, ये ससुर जी है, हाँ सर, ये मैटर इतना पेच पकड़ लिया है सर, आज मैं एसपी को दरखास्त मतलब मेरे को कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कोर्ट से डिवोर्स का केस जीती हूँ। एक साल हो गया आपका डिवोर्स? नहीं हुआ, ये लोग हार गए, ये किए थे लेकिन हार गए। आप चाह रहे हैं डिवोर्स? नहीं सर, डिवोर्स नहीं चाह रहे हैं सर, सर उसके बीच में बहुत सारे केस चल रहा है सर, तो केस के बीच में आज का आपका ये है कि तलाक का केस इन लोग मुझ पर लगाए थे, अब वो हार गए हैं, अब कोर्ट का ऑर्डर है, पिछले एक साल से सर मैं ऊपर दो तल्ले में, आप ऊपर ही आइए बैठ के बात कर लेते, आइए ना आइए सर, प्लीज आइए, बताएं बताएं आप। नहीं ऐसे नहीं सर, आइए बैठिए ना, मुझे मेरी बात सुन लीजिए, और मुझे अभी महिला भी थाने चलेंगे, और इसीलिए मैं सुबेला से क्यों मदद मांगूँ सर, इसमें रीजन है ना, तो मैं आपको अपनी बात बताना चाहती हूँ, ये सारे पेपर्स हैं, मैं भी महिला थाने भी चलूंगी आपके साथ, और आप मुझे थाने में बोल के ले चल के बैठा लीजिए सर। नहीं मुझे मेरी जान का खतरा है सर, आप प्लीज मुझे थाने में, नहीं सर आप मुझे थाने में ले चल के बैठा, नहीं सर आप ऊपर आइए सर प्लीज, मेरा इधर ऊपर दो मंजिले में सब पूरा सर देखिए सर। सर बिल्कुल आप मुझे लेके चलिए, मैं आपसे हम सबसे बड़ा सबूत है, यदि आपको कुछ होता है सब कुछ तीनों तीनों को हम ले आएंगे, ठीक है, अब फिर आप एकदम बात मत सोचिए आपको कुछ जान का खतरा है, एकदम गलत सर, सर हम लोग हम आपके सामने खड़े हैं, जान का खतरा है सर, मैं भी पुलिस को सर सर मेरी सिंपल है बस, मुझे हस्बैंड है मेरे, 11:30 बज रहा है रात के, 12:15 बज रहा है, ये सो रहा है नीचे, मैं सो रही हूँ दो मंजिले में, आज ये ड्यूटी नहीं, आज ये घर में, मैं इसमें बुला रहा हूँ, इसी में हंगामा है सर, क्या ये हस्बैंड है तो कहाँ सोना चाहिए सर, कहाँ सोना चाहिए सर, 2 मिनट सर, सर जैसे सर जैसे मेरी पत्नी क्या है बिना बताया सर बाहर चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, कहीं भी चली जाती है सर, मुझे पता नहीं चलता सर, बिना बिल्कुल आप तो नहीं लगती में चली जाती है, और कभी भी आती है ऊपर नहीं चलता सर, जब जाती है सर ना तो ऊपर जो घर है सर मेरा भी सर जाने का, हाँ तो रूम लॉक कर दिया, बाहर भी सर लॉक कर देती है, तो मैं सर मैं रूम जा नहीं पाता सर, रह नहीं पाता, और जब भी जाएगी सर तब भी ताला 100% ताला लगा सर। मैं
अभी मैं एसपी को दी हूँ, वही मैं दूंगी सर। और मैं दरोगा को थाने में वहां चल के दूंगी। कहां पे? चंद्रा भी सर एसपी को दिया हुआ है। दिखाइए अभी आप, आपका आवेदन है कहां दिखाइए सर जी। अंदर नीचे सुनिए मैंने क्या कहा, आपको मैडम दोनों रुकेंगे, आप सब साथ रहेंगे। बात आप करिए, आप मत डरिए, आपको मैं नंबर दिया, मैं मैडम आपको क्या बोल रहा हूँ, डर क्यों नहीं फिर आपको मैं नंबर दिया मैडम, हम रात में आए। सुनिए आपको, पुलिस विभाग में रात को महिलाओं को थाने नहीं बुलाते, यदि महिला थाना उसकी बात हुई महिला थाना रात में बंद हो जाता है। आप एकदम पसंद होता है अपने रूम में रहिए, आपने नंबर रखिए, कहीं पर रुपया आप मुझे रिंग करें, हम आएंगे, जो भी हम आएंगे, कहीं डरे आप, इतने साथ आ सकते हो, आपको हुआ आगे भी कुछ नहीं हुआ। अभी तो मैं एक साल से यहाँ आके रही हूँ। एक साल से कुछ हुआ सर? इस बीच में तीन साल सुनिए मैडम, अभी एक साल से कुछ हुआ सब नहीं हुआ, कोई एक साल से हुआ नहीं हुआ। अब चलिए आप रूम में, आप सब आके पास कर सकते हैं, रूम कहाँ पर सर? आपको तो मैं बुलाऊँ आप चलिए, और आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप भले महिलाओं को नहीं बुलाते हैं, लेकिन मैं जान रख सकता हूँ। मैं आपसे क्या बोल रहा, आपको कोई जिम्मेदारी मेरी? ठीक है सर, तो फिर आप मुझे लिखित में दे दो, मेरी जान चली जाएगी तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ तुम्हारा निजाम वो कर रहा है। अरे सर ऐसा कुछ नहीं सर, सर दो मिनट बैठिए सर, सर सर पता है क्या, दो मिनट बैठिए, बताइए तो बैठ क्या कर रहे हो, मतलब हम लोग का जान का खतरा, हम लोग इससे हम लोग भी ऊपर ज्यादा पता नहीं। अभी आइए दरवाजा लड़का जाता, हम सब लॉक कर देते हैं उसको, भगा देते हैं। क्या होता है सर, ये बगल वाले से क्या सर, 12 साल शादी हो गए सर, सर 7 दिसंबर 2000 से मेरी शादी हुई है। और ये इनको मैं अपने पति को सुबह हस्बैंड मेरे आए हैं रेलवे से नौकरी करके, मैं 5 बजे इनको बताया कि मुझे पुलिस, अरे मुझे कोर्ट जाना है, एसपी को मुझे अपना वो करना है, और मैं इसके बाद बहुत पहले अनुभव बिना अपने रास्ता से पूरा कर लिया, आजू बाजू सब समझा के थक गया, सब तरह से सब जानते हैं सर की क्या है दिक्कत, क्या है दिक्कत, यही है सर की ये मुझे नहीं रखना चाह रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है सर, जब मैं 6 साल कोर्ट केस लड़ी, इनके बीच में जिंदगी में, इनके जिंदगी में कोई और आ गया, और बीच में कोर्ट का उसी में ऑर्डर आ गया कि तुम भी जाके अपने ससुराल में रहो। अब मैं आ गई हूँ सर, तो 1 साल से हम लोग के बीच किसी तरह का कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है। मैं कई बार, आज क्या घटना, आज घटना ये घटी है सर कि इनका जितना भी है ससुर सब ठीक है, आज ताला खुला मिला मुझे, उस दिन भी खुला मिल गया, शाम को मैं निकल गई तो मैं अपने वकील से मिली, वकील से मिल ली सर, जिस पे ये मेरे पति कह रहा है, और मैं निकल रही थी तो मेरी सास ने देखा, उन्होंने पूछा नहीं तो मैंने भी बताया नहीं। ठीक, मैं गई अपने वकील से मिली, बात करी, सब हो गया, उन्होंने कहा एसपी के आगे तुम दरखास्त दो क्योंकि कोरोना से कोर्ट बंद चल रहा है। फिर आज का उन्होंने मुझे डेट दिया था मंगलवार का, और बोले वो मेरे वकील ही बोले कि बेटा जब तुम आना तो अपने पति को बता देना कि तुम कोर्ट जा रहे हो, और मैंने इनको मॉर्निंग में बताया कुछ नहीं। ठीक है सर, तो फिर इसके बावजूद भी नहीं, तो सोचिए सर ये कोर्ट से मुझे लेके आए, कोर्ट में कैसे इनकी मेरी मुलाकात है, इनको कैसे पता कि मैं कोर्ट ही गई हूँ, ये खोज रहे हैं सर, और एसपी को दरखास्त देना ही भारी पड़ गया। अब ये लोग मिलके मुझे जोरदार गालियां और ये नीचे सुनाएंगे बताइए।
बस यही है सर। तो ये अब जो देखिए आपकी पत्नी है, लेकिन आज जब से मैं आई हूँ कोर्ट से, ये मुझे एक बार भी देखने नहीं गए कि तुम जिंदा हो कि मर गई हो, क्या है तुम पत्नी हो, मतलब कोर्ट से आई हो, अकेले रह रही हो, तुम्हारे दिमाग पे भी तनाव रहा, मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा हूँ, हम लोग के बीच कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं हो रहा है। ये 42 साल के हैं सर, मैं 32 साल की हूँ, सोचिए अब बच्चे प्लान नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अगर मैं सोच रही हूँ तो ये कोर्ट में असली इनकी बातें सुनिए। ससुर जी को मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ कई बार कि नहीं है, तो बोल रहे कि तुम्हारे साथ है मेरा तो 20 साल से रिश्ता नहीं, क्या करूँगी, बता तीन तीन वर्ष पैदा कर ली है, शादी विवाह वाले होकर नहीं करेंगे तो क्या मतलब है सर। ये असली बातें हैं सर, सुनिए और सुनिए सर, मैं आपको और बताती हूँ, ये सब बातें हैं। और ये मेरे हस्बैंड, इनका है कि बलिया मेरा कुछ केस चल रहा है सर, उसके बीच में ऑर्डर आ गया, मैं लिखित थाने में दी हूँ, इसमें भी कागज है, आप ऑर्डर शीट चाहें तो देख लें कि अगर हम लोग के बीच सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं केस उठा लूँ, मैं सब पहले लिख के दे रही हूँ सर, लेकिन वहीं चलती चलूँ, आप गायब रह रहे घर से, मैं केस उठा लूँ और आप गायब हो जाए कल को मुझे छोड़ दे तो मैं कहाँ जाऊँगी। आप क्या चाहती हैं? बस यही चाहती हूँ सर कि आप मेरी FIR लिखें। FIR क्या लिखें बताएं ना। FIR में यही लिखें सर कि मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड को मेरे पास आने से रोक रहे हैं बस। अच्छा, आपको तो हस्बैंड अपने मतलब नहीं आ पा रहे, नहीं आ पा रहे हैं, मेरे सास ससुर इसके लिए रोक रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं, आरोप ये है कि आपके सास ससुर डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो बकायदे पूरा बोलते हैं कि तुम नहीं जाओगे ऊपर तो नहीं जाओगे, उसके पास नहीं सोओगे तो नहीं सोओगे, उसके साथ नहीं बैठोगे तो नहीं बैठोगे। जब मैं यहाँ शादी करके आया हूँ सर तो किसके साथ बैठूंगी, किसके साथ सोऊंगी खाऊंगी बताइए, ये मुझे नहीं पूछेंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बताइए। और ये एक तो बात, और क्या बात है दूसरी बात? मेंटेनेंस के लिए सर कुछ नहीं है, मेंटेनेंस के लिए तुम अपना उठाती रहो, और किसी से ना बोलना है ना चलना है, मैं पड़ोस में जाकर बात नहीं कर सकती, वही मंदिर है ना साहब, वहाँ जाकर मैं एक दिन मेरा मन घबरा था, मैं हाथ जोड़ नहीं सकती हूँ, इन लोग से बात नहीं है, सिर्फ गाली खाती हूँ दिन भर, मैं वहाँ जाके हाथ नहीं जोड़ सकती हूँ साहब मंदिर में। और ये सारी समस्याएं हैं सर, और कोई मेरी सुनता नहीं, और तीन बार मैंने 112 नंबर डायल किया इसके पहले, मार्च में, अप्रैल में, मई में सर, स्मृति नगर पे इनका अपना परिचय भिड़ा लिया साहब, अब जो भी आता है सुनिए, जो भी आता है सर, सुपेला थाने से आया, मुझे इसीलिए ना मांगे, सुपेला टीआई को फोन किया, मैंने सुपेला को फोन किया, सुपेला टीआई को फोन किया, सुपेला टीआई मेरे फोन किया, मैं आया। अब अभी अभी आपको क्या बुरा लग रहा है? नहीं साहब, इसीलिए मुझे भरोसा है, क्योंकि दरोगा, हाँ दरोगा साहब, मेरी बात पे विश्वास करिए, मेरी बात पे विश्वास कि आप नंबर रखे रहिए, मैं अभी नंबर नहीं रखूंगी सर, कल फिर मैं दोबारा में फिर ड्यूटी आ जाऊंगा, मेरी बात सुनिए तो मैडम, मैं सर मैं चलूंगी आपके साथ, सर देखिए मैं आपका पैर छू के कह रहा हूँ, प्लीज मुझे लेके चलिए, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और ये शोषण पिछले 1 सालों से चल रहा है, ये क्या कहेंगे सर, ये मेरी बात सुनिए सर, यहाँ पे सोए आपके, आपकी जान को कहाँ खतरा हो रहा है, यदि अपनी जगह सोया तो बताइए मैडम सर। तो चार ठीक है सर, 4 बजे से मैं आई हूँ, अगर हस्बैंड की वाइफ है, अगर उसी का भी बात है ठीक है, वही है कि हस्बैंड नहीं जाना चाह रहा था, ये इसको रोका जा रहा है, यही हम शिकायत है, इसका सर से निकालता हूँ, एक मिनट मैं सर से, मैं यहाँ निकालूँ उसके सर से थाने में निकालूंगा। तीन बार डायल करने के बाद सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बात करिए हाँ। आपको मैंने बोला कि आप मेंटल पागल हो, मैं भी बोल रहा हूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ आप परेशान हो गए, परेशान कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या बोला, इसका समस्या थाने में ही हो पाएगा, ठीक, आप पेशेंस रखिए, मैं नंबर रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यदि कुछ भी 19 हुआ आप रिंग गई, मैं आज 2 आ रहा हूँ, मैं क्या बता आपको, आपको हमको भरोसा नहीं है, भरोसा है मैं अभी ढूंढे आया ना, हम आपको फोन भी नहीं काटे, आपसे लगातार बात करता कि फोन ना कट जाए, आपसे बात करते हम आपके घर तक पहुँचे ना, अब तो घर भी देख लिया, आप फोन के हम तत्काल पहुँच जाएंगे यहाँ पे, कहीं कोई, मैंने क्या कहा आपसे, एकदम निश्चित रहिए आप, एकदम बिंदास रहिए, दरवाजा खोल के सोइए, आपको कोई टच भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा आपसे, सुनिए आप हो गया, आप दोनों रुक जाइए, सुनिए मैडम अभी मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग अपने अपना काम करेंगे, आपके पति अभी कहाँ हैं आप? जी सर, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, अभी नीचे से होते आप? जी सर, नीचे से आज मैं सर मुझे मैं शाम को गया था सर 5-6 बजे, आप पति के पास क्यों नहीं जाते ऊपर सर? वही सर, तलाक का मामला चल रहा है सर, तलाक सर, तलाक केस में रुक जाइए मैडम, अब आपकी बात कोई बात सुन लिया ना, अब बताइए जी सर, सर मैं शादी से मैं 2-8 बजे सर जल्दी जल्दी बताऊँगा, हाँ तो
मेरी पत्नी मेरे साथ शुरू से सर रहना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो शुरू से ही मायके जाके सर रहना चाहती थी। अच्छा, बलिया जाके रहूँ शुरू से मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहती थी सर। हाँ। मैं शादी के सर 12 सालों में मेरी पत्नी सिर्फ 20 महीने रही है मेरे पास। शादी के 12 सालों में सिर्फ 20 महीने मेरे पास रही है, उसकी ज्यादा पत्नी नहीं रही है। और ज्यादा से ज्यादा सर सर मायके में बिताती थी। तो सर फिर वहाँ जाके सन 17-10-2013 को मेरी पत्नी चले गई मुझे छोड़ करके, और वहाँ पर जाके वो मुझ पर केस लगा दी। एक जाने के केस चल रहा है, केस चल रहा है सर। क्या केस चल रहा है सर? वहाँ पे धारा 12 चल रहा है, 498 चल रहा है। अच्छा अच्छा, धारा 12 498 चल रहा है। 498 में क्या हुआ वहाँ पे? अभी चल रहा है सर, अभी लंबी अभी लंबी मम्मी इन दोनों की शादी की होगी 498 लाख में। इनका भी स्टे लगा हुआ है। हाँ, अभी इनका स्टे है। अच्छा अच्छा, इनका स्टे है और मेरा भी सर स्टे ही है। अच्छा, लेकिन केस चल रहा है। क्यों लगाया मैडम आपने से बता रहे हैं? सर 2010 में जो मेरा बच्चा खराब हो गया था, मैं प्रेगनेंट थी, जो बच्चा खराब हो गया था उसी एविडेंस में। चलो ठीक है, सुनिए मतलब वहाँ भी केस चल रहा है। ठीक, अभी यहाँ अभी आप क्या चाह रहे हैं? ये चाहती है भाई यहाँ पे शांति से आप अपने पति का खाना बनाते हैं ना खाते हैं, आप चाहते आप चाहती पति कर रहे हैं, पति मेरे साथ रहे, खाए पिए मेरे साथ, उठे बैठे मेरे सब, मैं इनका काम धंधा सब करूँ, बस मैं यही चाहती हूँ सब अपने पति को। बस एक लोटा पानी नहीं देंगे सर? देखिए आपके सामने बोलेगी ना कि मैं खाना बना के खिलाऊंगी, आप लोग भी जाने घर बोलेगी मगर मस्त आंसू है, चलो तुम लोग बुढ़ा बुढ़िया खाना बना के खो। अब ऐसे सर 12-12 400 केस वहाँ चली रहा है सर। इसके साथ में सर 125 भी केस सर वहाँ जाकर लगा दी थी। हाँ। सर 2014 में लगाई थी, मतलब जाने के एक साल बाद वो केस लगा दी सर। इस बात मुझे बहुत टेंशन हो जाता है सर, मतलब यहाँ पर रहने भी बोलती है सर। परेशान है, आपको लग रहा है शादी किया आपने, शादी किया मेरी बात सुनिए मैडम, मैं जिस तरह आप शादी किए हैं परेशान है कि नहीं? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब देंगे परेशान होते सर? नहीं, तो मैं ये सब सिचुएशन ही नहीं होता, जब कोर्ट का आदेश है मैं लिखित थाने में देती हूं तो कोर्ट में चलेगा परेशान नहीं रहेगा? हां सर, इतने तक के सब आप बात के कहना किसी को मैडम कोर्ट के आई आप को से आप मान के चलते हो गए। ठीक है सर, मैं थाने में लिख के दे दी एक साल पहले, मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूं, ये देखिए दरोगा के आगे लिखित मेरा स्टेटमेंट है उस केस के लिए, ये देखिए। ये नहीं आप कह रहे ना कि उठा लूंगी, ये देखिए दरोगा के आगे एक साल पहले लिखित मेरा स्टेटमेंट है, मैं अपने हाथ से लिख करके दी हूँ कि अगर ये मुझे अच्छे से रखते हैं हम लोग के बीच में आपसे सेटलमेंट आता है। मेरी बात सुन लीजिए आप, लास्ट में मैं उठा लूंगी सर। मैं आप क्या बोला अभी आपको पुलिस सपोर्ट सुपर आप पुलिस सपोर्ट कर रही है क्या? ऐसा आपके फोन मेरे को भेजिए, मैं आके मिला हूँ, मेरे साथ ड्राइवर साहब आए, हम गाड़ी से आए, अजीब कुछ होता हमारा था घूमने में। बात सुन लीजिए मैडम, महिला थाने छोड़ दीजिए सर। मैं क्या महिला थाने, आप क्या करेंगे जाके बताइए सर? वहीं बैठूंगी सवेरे फिर आपसे। क्या कोई आपको कोई डर नहीं है? हम बोल रहे हैं मुझे जो डर है ले रहे हैं बोल रहे हैं, कहाँ लिख के देना आपको बताइए। क्या लिख के दें हम? क्या लिख के मेरी जान अगर चली जाएगी अगर इस रात में इस घटना के बीच में तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बस इतना मुझे बता दीजिए। तो इसको लिख क्या करेंगे फिर आप सर? ठीक है ना, तो मर जाएंगी बोल रही ना। हाँ मैं मर जाऊंगी सर, क्या होगा? तो उससे पहले दरोगा एसपी साहब का मेरे पास नंबर है, मैं उनको ये आज रात को स्टेटमेंट ये फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ उनके व्हाट्सएप पे। नहीं मैं हंसी नहीं कर रही हूँ सर, मैं आप मेरी सोच नहीं रहे हैं कि मैं कितना डरी, मैं क्यों सुबह निश्चित रही है। आपको तीन मुकदमा दिख रहा है सर, पिछले एक साल से कोई लड़की एक घर में बिना किसी से बोले बिना सुबह आपके साथ है ना, आपके साथ है ना, आप जाके रूम बंद कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं होगा, आप अपने रूम में जाके लॉक कर लीजिए सर। प्लीज कृपा करके आप मुझे बस महिला थाने छोड़ दीजिए सर, मैं वहीं बैठूंगी, आप ले चलो अपनी सीढ़ियों पे बैठाना, मैं वहीं बैठी रहूंगी पूरी रात बैठी रहूंगी। मैडम महिला थाने का मामला नहीं बन रहा है अभी, महिला थाने का मामला ऐसे कोई परिस्थिति आएगी तब तो मैं बोलूंगा हाँ चलो मेरे साथ है। तो सर आप मुझे अपने साथ ले चलिए अपनी सीढ़ियों पे ही बैठा दीजिए, मैं वहीं बैठी रहूंगी। आप अजीब तरह की बात कर रही है, ऐसा ना हो कि मैं ही आपको बोलूं कि आप कैसे बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना सर, समझदार महिला है। नहीं सर, समझदार की बात करी ना, समझदारी नहीं, मैं मानसिक बीमार महिला हूँ, ये मुझे स्टेटमेंट सब लोग दे दिए हैं, अगर मैं किसी को बुलाती हूँ अगर बात करने के लिए तो लोग कहते हैं। सुनिए ना मैं आपको छोड़ दी यार, अभी आप अपने घर के अंदर जाइए, अपने घर के अंदर जाइए, आप कहाँ जाते हैं? नीचे से होते हैं आप, आज रात को रूम मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, अपने ऊपर रूम जाकर ऊपर बंद कर। नहीं सर मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, आप देखिए आपको
किस बात पे डर बताए मेरे को, किस बात पे डर बताए, मैं सामने बैठा हूँ आपके, किस बात को बताए मैं बैठा हूँ, किस बात पर डर आप, फोन नंबर रखे ना मेरे को, नंबर रखिए ना आपने, आपको जब रहता है मुझे रिंग करिए, मैं आता हूँ। हाँ सर आया हूँ सर, इनके घर पे इनके ससुर भी हैं, सास भी है, लड़का लोको पायलट है रेलवे में, तो सर ये मैडम का एक ही इनकी डिमांड है कि सर मुझे महिला थाना ले चलो, मैं रात में वहीं बताऊँगी। और वो रसी को कुछ भी नहीं दिखते, हम इनको बोला अपना नंबर दे के रख का नंबर है कुछ, हम उनको रिंग करें, हम रात में आएंगे घर पर, मेरा था कि वो भी साहब सुबह लगेंगे ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं मैं आपको बता दूँ, मैंने क्या इससे बात हो चुकी, मैंने क्या बोले सुबह ले जाना ठीक, आप अभी आपके साथ चुके हैं, मैं बात किया मैंने मैंने क्या कहा आप गायब होंगे, आप खुद की मर्जी जाएंगे, आप ताला लगा के इधर बैठिए, कोई तार तोड़ा हमको दिख जाएगा तार टूटा हुआ, सुन रहे हैं, हम सुबह आएंगे रात को एक चक्कर काट लेंगे ठीक है। मैं आपको आऊंगा सुबह, आप मुझे रिंग कर लेना या थाने, हम आप किस स्टाफ भेज देंगे, मैं नहीं भी आपको दूसरे स्टाफ को भेज देंगे हम, आप थाने ये थाने जाके बातचीत बात करें, इनको थाने बुलाते हैं, मैं थाने हमको आपको जरूरत ही नहीं है, सुपर थाने में हो जाएगा आपका ठीक है, मैं थाने जाकर के हमको आपको सुपर थाने बुला रहे हैं ठीक, अभी आप डिस्टर्ब मत करिए सर, आप अपना सोइए, आप जाए अपना रूम बंद कर लीजिए, अभी आप सामने सामने निकल जाए, अब रूम बंद करिए, अंदर बंद करो ठीक है, आप सुबह बात करेंगे ठीक है, चलो मुझे दिक्कत नहीं सर, यही तो दिक्कत है सर, आपको तो जान से नहीं मार रही, डर तो नहीं है, डर है सर, हम लोग इससे डर है, अरे सर आपको क्या डर है सर, आपको है कि रात में मार डालेगी, मैं बोल नहीं सकता सर, मुझे इनका नेचर थोड़ा सा विचित्र लगता है, अग्रेसिव है, मतलब बहुत इतना उतावला पन है सर, कभी कभी सर उठता नहीं, मतलब सर एक साल हो गया, एक साल सोचिए सर, इनको उतावला है, एक काम करें सुनिए, ये भी डर रहा है ना, ये भी डर रहा है, आप अपना रूम में जाइए, रूम को बंद कर सोइए, कहीं कुछ नहीं हो रहा, हम बैठे इसलिए आप बोल दीजिए क्या रात को मेरे हस्बैंड आके मेरे साथ, एक बात सुनिए, हम लोग एकदम से परेशान कर रहे हैं, की बात है, आप मेरे हस्बैंड को, मैंने क्या कहा मैडम आपसे, आप सुनती क्यों नहीं किसी बात को, समझ में आती है, आप पढ़ी लिखी है, कहाँ क्या पढ़ाई करी आप, फिर समझ में आती किसी बात, रुको या तो मत, समझ में आती है आपको बात, क्या समझाया मैंने आपका, अपने रूम में जाके तो अंदर बंद कर लो, अब कोई कोई नहीं आने वाला आपके रूम में, सुन रहे इनको अपना सुन दीजिए, सुबह आपको थाने ले चलेंगे मैं ठीक है, चले जाइए आप रूम बंद कर लिया, तो आप लोगों ने ऑडियो सुनी, अब मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।